ओके, व्हेन यू रीच 12th स्टैंडर्ड ना, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है. समबडी मेट आस्क मी सर मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज 1/f. मैं हजार बार बोल इधर इधर मतलब मेरे मैं जब ऐसा देखता हूं और मुझे एकदम लास्ट ईयर है उसके लास्ट ईयर का फ्लैशबैक होता है. मतलब क्या घटिया कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, उनको कितना भी सिखाओ कितना भी उनके लिए हम गला फाड़ो कि उनको अभी भी ब्रेन स्ट्राइकिंग होता ही नहीं ढंग से. ओके, 1/v + 1/u क्लियरली ये रेसिप्रोकल है. बच्चा इसको ऊपर लिखता आंसर लिखता है सर रेसिप्रोकल आंसर आ गया. और क्या करेगा इसे और क्या बोलेगा बोले तो. एनीवेज, एफ इज यूनो फोकल लेंथ, यू नो एवरीथिंग फोकल लेंथ. आई टॉट पॉजिटिव नेगेटिव विदाउट रूल्स यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई एम टेलिंग यू. फोकल लेंथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव वो सब सिखाया मैं. कौन से मिरर के लिए क्या केस है यू हैव टू बाय हार्ट एवरीथिंग. वी इज पॉजिटिव व्हाट इज वी इडियट. डिस्टेंस इमेज ऑफ इमेज डिस्टेंस बोला कितना भी बोलो गेट बच्चा कैटेगरी सुधरने वाला नहीं है. यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस ओनली वी हैव द फॉर्मूला. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सॉरी नॉट फॉर्मूला, वी हैव द प्रॉब्लम. सो 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u. बेस्ड ऑन दिस वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रॉब्लम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट फ्लैशबैक आई विल डू. आई हैव डन स्टिल आई एम डूइंग फ्लैशबैक. मैग्निफिकेशन इज -v/u. आई टोल्ड ऑल्सो माइनस कब आता है कब नहीं आता है. माइनस कम्स ओनली फॉर मिरर एंड प्लस कम्स ओनली फॉर लेंस. ओके, एंड इट इज इक्वल टू h'/h. इट इज इक्वल टू h'/h. दिस इज वन मोर फॉर्मूला आई हैव डन. दीज टू फॉर्मूला ओनली आई एम गोइंग टू यूज. दीज टू फॉर्मूलाज एंड द रूल्स वॉट एवर इज टॉट 3 hours आर स्पेंड विथ रे डायग्राम एंड रूल्स. 3 hours आर स्पेंड टू क्रिएट अ बैकग्राउंड. एंड इफ यू हैव नॉट रिवाइज एनीथिंग whatever I will teach again it will go bouncer, that is for sure. Okay, without revision attending the class is very dangerous. Everything will go waste, everything every word taught is waste. Question number 1, I will check now how much people recall when I take the question. Okay, a convex mirror is used as rear view mirror. I have not discussed the uses, we will discuss the uses in the other session. ओके, रेयर व्यू मिरर मतलब कांच के लिए. ओके, आई डिस्कस दैट ऑल्सो. अ कॉन्वेक्स मिरर वाई दैट आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ऑन दैट आई विल मेक अ सेपरेट क्लिप, आई विल हेल्प यू. अ कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर कॉमा हुज फॉर एन ऑटोमोबाइल. ठीक है, हुज रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 meters कॉमा द बस इज लोकेटेड एट 5 meters. देखिए सर मैं फील देता हूं पूरा. द बस इज लोकेटेड एट, ये रियल लाइफ है, एट 5 meters. एग्जाम्पल, रियल लाइफ का एग्जाम्पल. द बस इज लोकेटेड 5 meters फ्रॉम मिरर. फाइंड नेचर पोजिशन इमेज. मैंने कहा था ना तुझे मिरर में सिर्फ 3 ही चीज पूछेंगे. मिरर में 3 चीज पूछ के फोर्थ थिंग कैनॉट टेक बर्थ. फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज. आई एम रिपीटिंग फर्स्ट टाइम इट इज सो आई एम टेलिंग. Already I have told, but problem का first time, so once again I am repeating. Already I have told, but nature बोले तो real virtual, size बोले तो magnification 1 बड़ा 1 छोटा and position बोले तो image का distance. बोले तो which alphabet? Correct. बोले तो nature you know and size you know. Size बोले तो which alphabet? Size बोले तो which alphabet? एच. साइज बोले तो एच नहीं. साइज बोले तो विच अल्फाबेट. स्पीक, डोंट वेस्ट टाइम. साइज बोले तो विच अल्फाबेट.
3 घंटा डाला। अगेन वही मैं बोल रहा, नेम अटेंडिंग क्लास, आई एम टेलिंग रिपीटेडली, अटेंडिंग क्लास फॉर नेम सेक इज ऑल वेस्ट। ओनली वार्मिंग द बेंच के लिए नहीं आना है, दिमाग चलाना है तो ही आना है। साइज बोले तो इट विल गिव यू अबाउट मैग्निफिकेशन, बड़ा के छोटा, एच डैश एंड एच, बट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है साइज के ऊपर। वापिस वही रिजल्ट आएगा जो 9th में आया है, बता रहा हूं, कोई मतलब का नहीं है। ओके सो सी आर नाउ गिवन, नाउ आई टोल्ड यू विदाउट टचिंग द सोल्यूशन, आई विल टेल व्हाट इज द सोल्यूशन, विदाउट टचिंग द सोल्यूशन व्हाट इज द सोल्यूशन आई विल टेल यू नाउ। सी आर, लेट अस एनालाइज, नो नीड टू टच द पेन ऑल्सो, वी डोंट नीड पेन, आई विल टेल यू व्हाट इज द आंसर, यू गिव मी एनी डैम प्रॉब्लम विदाउट टचिंग द पेन, आई विल ट्रेन यू। ओके, बट बुद्धि नहीं है भाई, एच आर एम मालूम नहीं तो क्या होगा ही नहीं, प्रॉब्लम आता ही नहीं, एबीसीडी एबीसीडी नहीं आएगा तो नहीं होगा, फिर उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट माई ब्रेन टेल्स कॉन्वेक्स मिरर, हा कॉन्वेक्स मिरर बोले तो फर्स्ट थिंग कॉन्वेक्स मिरर बोले तो क्या, इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। बोले तो मैं ऑलरेडी मैं पहले ही कंक्लूजन डाल देता हूं, एम इज स्मॉलर देन वन, वी पॉजिटिव आएगा। ओके ये चीज फॉलो होना चाहिए किसी भी हालत में, करेक्ट। और कुछ वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड हो गया, ये वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड में और कुछ आता है, नेचर पोजीशन एंड साइज, इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया, देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज तो नहीं दिया है, तो हमको मैग्निफिकेशन इतना ही मालूम है, छोटा ये आंसर फॉलो होना चाहिए। आई टोल्ड नाउ इफ दिस शुड बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट एल्स यू आर रॉन्ग। ओके सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, नेचर, नेचर तो मालूम ही है सर, कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर वर्चुअल है, कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर वर्चुअल ही आएगा, नो डाउट अबाउट, एंड वर्चुअल आएगा तो इरेक्ट आएगा, इतना तो कॉमन सेंस है मेरे पास। सर पोजीशन निकालना है, पोजीशन बोले तो वी, हाँ सी वी के लिए वील यूज मिरर फॉर्मूला, तो इसके बिना कुछ आएगा ही नहीं। मिरर फॉर्मूला इज 1/f = 1/v + 1/u। अभी प्रॉब्लम ये है कि f नहीं है, बट व्हेन आई रीड द क्वेश्चन इधर f नहीं है, बट भगवान ने मुझे बुद्धि दिया है, हाँ करेक्ट, भगवान ने मुझे रेडियस दिया है। अब ये रेडियस से f कैसे निकालो, मैंने 3 बार सिखाया है गए क्लासेस में, हाउ, हाँ आर इज इक्वल टू, हाँ नेक्स्ट आई हैव टू पुट हियर 3 इधर 2 इधर एफ, नहीं, इधर 2 नहीं आता, 3/2 = f, 3/2 = it is the same, no? 1.5 meter, so f is 1.5 meter, so I know focal length. I know focal length, but without rules you cannot solve anything. It is convex mirror means f is always positive. Rule number one, f is always positive 1.5. Next, 1/v, यही तो चाहिए, 1/v ही तो चाहिए. U, the bus is located 5 meters from the mirror. मतलब object is ऑब्जेक्ट इज यू दैट इज 5 मीटर, राइट, रॉन्ग, वेरी गुड, रॉन्ग, वाई रॉन्ग, वेरी गुड, इट हैज टू बी -5, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, गला फाड़ के बोला हुआ है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, गला फाड़ के बोला हुआ है, -5, प्लस बिकम्स माइनस because u is always negative, this is more than 10 times now. Next, this will go here, 1.5 + 1/5 = 1/v, but bhagwan ne mujhe buddhi diya hai, main kabhi bhi decimal nahi use karta hu, bhagwan ne mujhe buddhi diya hai, 1.5 ko main hoshiyar bachcha banke
3/2 लिखता हूं, 3/2 वर्थी गया। सो ये होशियार बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक है, मैं कभी डेसिमल में नहीं लिखूंगा। 1/5 3/2, दैट मच ब्रेन ऑफ बेसिक फ्रैक्शन ऑफ 8th स्टैंडर्ड, बेसिक फ्रैक्शन ऑफ 8th स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। 5 3s are 15, दिस गोज हियर, दिस गोज हियर, 10 + 3 = 1/8। नाउ वी कैन स्टार्ट प्लेइंग विथ इट, वी कैन स्टार्ट प्लेइंग विथ इट। सो वी आर गेटिंग 13/15 = 1/8, बट लाइक दिस वे कीपिंग इज नॉट अलाउड, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल। सो लेट अस टेक रेसिप्रोकल, देयरफॉर वी इज 15/13। सो यू हैव टू स्टार्ट द गणित नाउ, 15/13 सम्स आउट टू बी हाउ मच। ओके, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, यू कैन कन्फर्म इट। 15/13 इज 1.15 meter. I told you rule number 1, V will be positive. V, I got positive. That was for sure, correct? That was for sure. V was positive. That was for sure. Am I right? Next, if V was positive, next. Next thing is, what is left now to find? Next, what is left to find is magnification. I repeat, nature I already wrote, position I already found, position I already found. Now I have to just take care of magnification. मुझे भगवान ने बुद्धि दिया है, magnification is -V/U. This is what I told you just. So m minus, be careful with this sign, very clear. I am clearly telling 60% population, if I give test, even after you solving, practicing, 60% population will go wrong because they don't have knowledge of sign. On the spot, 3 marks, 0 mark hota hai. Sign ke piche sab khara hota hai, sab khara hota hai. Pura real light sign ke upar hi tika hai. Sign gaya, light gaya. V, 15/13. Divided by U 5, but minus 1 minus sign gone, 1 mark ka 0 mark ho gaya. This is the beauty if you miss sign. Minus minus gone. I am telling clearly, still people will go wrong. See, 15/13 or either ka 5 as it is. 5 1s are 5 3s are. So magnification is 3/13. 3/13 you have to do decimal. Okay. 3/13 you have to do decimal. I hope I have not gone wrong anywhere. 15/13 divided by U is -5. Correct? So anybody with 3/13 should give you 0.23. Find out size. I told you the before only, magnification will be smaller than 1. Magnification is 0.23. Magnification is smaller than 1. Both rules satisfied.